गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग ये स्टडी करेंगे अपने चैप्टर रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अगला भाग। यह लेक्चर आप भारत एजुकेशन सर्कल के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यह कोर्स पूर्ण रूप से निशुल्क होगा, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और यह कोर्स ऑनलाइन माध्यम में होगा। इस कोर्स के अंदर हम लोग डेली लाइव क्लास लेंगे, पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, डेली असाइनमेंट होगा और वीकली टेस्ट भी होगा। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा ITJEE, NEET इन सब एग्जाम के लिए आप अपने आप को बिल्डअप करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया भाग, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अगला पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार कक्षा 10 में पढ़ने को कहा गया है, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को पढ़ने को दिया गया है। संयोजन अभिक्रिया, इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया, इसका एक और नाम अपघटन अभिक्रिया भी है, इसे हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम देंगे। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होता है, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, अपचयन उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी बच्चों से वीडियो को लाइक करें, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें ताकि आपका प्रेजेंटेशन मुझे पता चले कि आप कक्षा में उपस्थित रहते हैं। कक्षा में उपस्थित रहने के लिए अटेंडेंस बनाना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करने से आपका अटेंडेंस हमें पता चलेगा, ठीक है। किसी और तरह का जानकारी या कोई डाउट अगर आपके पास रह जा रहा है, कक्षा से रिलेटेड, किसी और भी तरह का एग्जाम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ओके, भारत एजुकेशन सर्कल एक कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, जहां पर हम लोग ITJEE, नीट, फाउंडेशन कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक अध्ययन करते हैं। भारत एजुकेशन सर्कल, जो कि इसका एक और सब यूनिट है, BEC Academy एक कंप्लीट CBSE स्कूल है, जहां पर हम लोग छोटे क्लास से ही बच्चों को ITJEE और नीट का प्रिपरेशन करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या मीनिंग हुआ, ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं,
एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए इसे परिभाषित कर लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर समझाने के लिए दिया गया है कि ए और बी आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? सी बना रहा है। ए और बी आपस में अभिक्रिया करके सी बना रहा है। तो ए और बी यहां पर अभिकारक है जो संख्या में दो या दो से अधिक है। ये दोनों संयोग करके एक उत्पाद सी का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे? संयोजन अभिक्रिया नाम देंगे। चलिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो सब भी वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। ओके, यह कोर्स पूर्ण रूप से निशुल्क रहेगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करना है ताकि सब कोई इसका फायदा उठा सके। कक्षा 10 के रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित सब्जेक्ट को हम लोग इस यूट्यूब चैनल के इस फ्री ऑनलाइन कोर्स में पढ़ने वाले हैं। यह कोर्स पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर आधारित होगा। इस कोर्स के अंदर डेली लाइव क्लास लिए जाएंगे, डेली असाइनमेंट आपको मिलेगा और हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ वीकली टेस्ट का भी ऑर्गेनाइजेशन इस यूट्यूब चैनल पर किया गया है। संयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक अभिक्रिया को परफॉर्म करने की कोशिश की है। सबसे पहले एक बीकर को लेना है इस बीकर के अंदर आपको जल लेना है। जल के अंदर आपको कैल्शियम ऑक्साइड का छोटे छोटे टुकड़े को डालना है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO। CaO का छोटे टुकड़े को हमको उसमें डालना है। ऐसा करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो दोनों बात याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पर्पस से इसे याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। इस तरह से बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जब हम लोग बीकर में जल लिए और उस जल में कैल्शियम ऑक्साइड को डाले तो हमें फाइनली क्या मिल जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। जल में कैल्शियम ऑक्साइड के अभिक्रिया के साथ हमें क्या मिलता है? बुझा हुआ
चुना। कुछ बात हमें यहां पर नोट कर लेना है। बुझे हुए चूना, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। दीवारों की सफेदी के लिए हम लोग देखते हैं दिवाली वगैरह में या किसी भी शादी वगैरह के फंक्शन से, या हम लोग नए घर बनाते हैं तो दीवार को, घर की दीवार को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, पोचारा करते हैं, क्या करते हैं, पेंट करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं दीवारों की सफेदी करना। क्या कहते हैं, दीवारों की सफेदी करना। तो जब हम लोग दीवारों की सफेदी करते हैं तो उस वक्त हम लोग बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं, बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं। और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। बच्चों याद रखना है, घरों की दीवार को सफेदी करने के लिए, घरों की दीवार को सफेदी करने के लिए हम लोग प्रायः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझे हुए चूने का नाम दिया गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से अभिक्रिया करता है, और दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। ध्यान से समझिए इस बात को। सबसे पहले हम लोग क्या किए, बिना बुझा हुआ चूना लिए, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को लिए, उसको जल में मिला दिए। क्या किए, जल में मिला दिए। बिना बुझा हुआ चूना किसमें परिवर्तित हो गया, बुझा हुआ चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे हुए चूने का उपयोग हम लोगों ने किया दीवारों की सफेदी करने। इसका मतलब है कि कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोगों ने क्या किया, दीवार पे लगा दिया। हम लोगों ने उसको दीवार पे लगा दिया सफेदी करने के क्रम। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे लगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे लगा, तो ये दीवार पे लगा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से अभिक्रिया करना शुरू कर दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से अभिक्रिया करना स्टार्ट कर दिया, और धीमी गति से अभिक्रिया करते समय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें परिवर्तित हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में। किसमें परिवर्तित हो गया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट में। किसमें परिवर्तित हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। किसमें परिवर्तित हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट एक चमकदार यौगिक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक चमकदार यौगिक होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सफेदी करते हैं दीवार को तो उस वक्त वो नहीं चमकता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ घंटों के बाद, 4 से 5 घंटों बाद या प्राय 10 घंटों के बाद दीवार चमकने लगता है, दीवार चमकने लगता है। इसका मतलब है कि जो बुझा हुआ चूना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो अब किसमें परिवर्तित हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट में। और कैल्शियम कार्बोनेट चमकने वाला यौगिक होता है, ठीक है। इसे हम लोग मार्बल का भी नाम देते हैं, संगमरमर, हिंदी में क्या कहते हैं, संगमरमर, इसे हम लोग मार्बल नाम देते हैं। इस तरह से इसे एक सूत्र में दिखाया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बुझा हुआ चूना है, इसका अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ और ये परिवर्तित हो गया कैल्शियम कार्बोनेट में। किसमें परिवर्तित हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में, और साथ में जल में। ये जल वापस से हवा में मिक्स हो गया, वायुमंडल में चला गया, और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे दीवार पे चिपका हुआ पतली परत के रूप में रह गया। अन्य उदाहरण की बात करें संयोजन अभिक्रिया के, संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो कोयले का दहन भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जिसमें कार्बन सॉलिड अवस्था में है जो कि वायु की उपस्थित में ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर लिया। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, तो हम लोग इसे संयोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। तो कोयले का दहन भी
संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जल का निर्माण कैसे होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है और जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। H2 प्लस O2 दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? H2O। H2O क्या है? जल है। H2O क्या है? जल है। जल का निर्माण, तो जल का निर्माण करना भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया का एक धारक। कई बच्चे अपने नोटबुक को प्रॉपर रिवाइज करें, वीडियो को देखते हुए अपने हाथों से नोटबुक बनाएं और नोटबुक अच्छे पेपर वाले कॉपी पर बनाएं, ताकि ये लंबे समय तक आपके साथ रहे और इसका आप बार बार रिवीजन कर सके। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या पढ़ना है हमें? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? उष्मा उत्पन्न होता है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के साथ साथ उत्पाद बनने के साथ साथ हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है उष्मा। हमें क्या मिलता है? उष्मा, हीट मिलता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस में हम लोग लेते हैं CH4। CH4 का नाम क्या है? मेथेन। CH4 का नाम क्या है? मेथेन। मेथेन का दहन करते हैं। मेथेन का क्या किए? दहन। दहन हमेशा वायु की उपस्थिति में होता है। दहन हमेशा कैसा होता है? वायु की उपस्थिति में। जब हम लोग मेथेन का दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जल यहाँ पर क्या है? उत्पाद है। मीथेन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। तो जब मीथेन का दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ हमें उष्मा ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? उष्मा ऊर्जा मिलेगा। उष्मा ऊर्जा मिलेगा, और जब अभिक्रिया के साथ साथ अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ हमें ऊर्जा मिलता है, उष्मा ऊर्जा मिलता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अन्य उदाहरण भी दिया गया है उष्माक्षेपी का। अन्य उदाहरण उष्माक्षेपी का कुछ इस तरह से है कि श्वसन भी एक तरह का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक तरह का श्वसन जो हम लोग सांस ले रहे हैं, श्वसन का क्रम भी क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में हम लोग करते क्या है? तो जो हम लोग ग्लूकोज बनाए थे, खाना हम लोग जो खाना को खा करके जो हम लोग ग्लूकोज का निर्माण किए हैं, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करवाता है, और साथ में हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इस अभिक्रिया को हमें याद रखना है कि ग्लूकोज वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि श्वसन भी क्या है? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट खाद बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। साग सब्जी या वनस्पति द्रव का विघटित होकर के और कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आज का क्लास में हम लोग अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखें, जिसमें हम लोगों ने देखा कि संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। तो इस क्लास में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा संयोजन अभिक्रिया को, और संयोजन अभिक्रिया को पढ़ने के बाद हम लोगों ने उदाहरण पर काम किया।
आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपने परिवार के अन्य रिश्तेदारों के यहाँ शेयर करें, जिससे वहां भी कोई बच्चे अगर हो तो उसको समय के साथ अपने कोर्स को कंप्लीट करने में मदद हो। सही बच्चे, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सब पर इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन सबको फायदा हो, ताकि वो समय के साथ बोर्ड परीक्षा जो कि जनरली फरवरी माह मार्च माह में होता है उसकी तैयारी अपने समय के साथ कर सके। ओके, थैंक यू।